आर बराबर दिया गया है 32 से, तो त्रिज्या दी गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, पाई आर, पाई का 22 बटा 7, आर का मान कितना है 32 गुणे 32 होगा। अब इसको गुणा करेगा तो आ जाएगा 22,528 बटा 7 cm स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ही हो गया, आप त्रिभुज का निकालेगा ना, तो यहाँ लिखेगा कि त्रिभुज एबीसी का, तो उसमें तीन गो त्रिभुज बन सकता है, एक दो तीन गो है, तीन गुणे कोई एक त्रिभुज इसमें से ले लो एओसी, एओसी एक छोटा सा त्रिभुज बना है ना, उसी को ले लो। लेने का कारण यहाँ ये है कि एक बटा दो आधार गुणे ऊंचाई होगा, तो उसमें आधार ऊंचाई तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़ा वाला में आधार ऊंचाई है नहीं, इसलिए तीन गो है तो तीन गुणे कर दो तो पूरा हो जाएगा, एबीसी का हो जाएगा। तब इसमें क्या करेगा, तीन गुणे एक बटा दो आधार गुणे ऊंचाई गुणे साइन कोण लेना पड़ेगा ए ओ सी, इसमें लेना पड़ेगा। अब यहां लिखेगा तीन बटा दो गुणे 32 गुणे 32, इसलिए कि 32 ऊंचाई हो है तो 32 आधार हो है, और साइन में यहां कोण कितना लगेगा 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि तीन कोण इस वृत्त में तीन ही कोण दर्शाता है, एक दो तीन, तीन ही कोण है ना, तो तीन कोण दर्शाता है, तो 360 में तीन से भागा दे तो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा ना। अब इसमें क्या करना है कि तीन बटा दो ये कटा भी सकता है, गुणे 32 गुणे 32 गुणे साइन 60 का मान हो जाएगा रूट तीन बटा दो, कटेगा तो कटा दो, इससे कटेगा 16 दूना दो आठ 16। अब इसमें गुणा होगा तो तीन गुणे आठ गुणे 32 गुणे रूट तीन, गुणा करके कितना आएगा 768 रूट तीन cm। अब यहाँ लिखेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 22,528 बटा 7 घटाओ 768 रूट तीन, इतना ही पे आंसर छोड़ दिया गया। Thank you.